साथियों, यदि आप भी परेशान हैं अपने डरावने सपनों से, एक तो डरावने सपने तो वैसे डरावने हैं, दूसरा नींद चट जाती है, अब ये ऐसा समय है 11 से लेके 1 बजे का, 2 बजे तक का, कि अब ऐसे में क्या करें, अच्छे खासे सोए थे कि चलो भाई अपना थके हारे और आ गया डरावना सपना और नींद उचट गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अक्सर यदि ऐसा आपके साथ में होता है तो जरूर अंदर कुछ ना कुछ तो कारण है ना, तभी ऐसा हो रहा है। जानेंगे वीडियो में कि क्या है कारण और किस प्रकार से आप बहुत ही कम एक्यूप्रेशर पॉइंट से, बहुत ही कम खर्चे में अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, यानी जब लगाकर सोएंगे इन पॉइंट्स को तो भरपूर नींद लेंगे और कोई भी डरावना सपना आपको नहीं आएगा, ये गारंटी है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ, तो यहां पर बात होगी दो ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स की जो कि बहुत पक्के दोस्त हैं। पक्के दोस्त इस तरीके से कि हर इंटरनल ऑर्गन को दो दो घंटे का समय मिला है। यदि हम ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से बात करें भी 24 घंटे का समय होता है, तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको दो दो घंटे का समय मिला है। दिन के 11 से 1 का समय है हार्ट का और रात में 11 बजे से लेके 1 बजे तक का समय है गॉल ब्लडर का। तो इन्हें कहते हैं हॉररी फ्रेंड्स। जब कभी भी चाहे हार्ट में ऊर्जा की कमी हो या हो गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की कमी, क्योंकि रात में व्यक्ति सो रहा है और एकदम से डरावना सपना आया, तो या तो गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की कमी है या उसका दोस्त, क्योंकि दिन में जो टाइम था 11 बजे से लेके 1 बजे तक का, चूंकि ये हॉररी फ्रेंड्स हैं, एक को तकलीफ होती तो दूसरा भी प्रभावित होता है, क्योंकि टाइम है गॉल ब्लैडर का, लेकिन चूंकि दोस्त में यदि कुछ कमी है यानी कि हार्ट में ऊर्जा की कमी है, तब भी लोगों को डरावने सपने आके उनकी नींद उचट सकती है, वो एकदम से घबराकर उठ सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी कारण हो स्पेसिफिकली, तो यदि सिम्टम्स से देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी पेशेंट से कि भाई वो कुछ और सिम्टम्स बताएगा, तब तो फाइनल कर पाएंगे कि ये गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की कमी की वजह से है कि हार्ट में ऊर्जा की कमी से है। नहीं पता आपको, केवल दो पॉइंट्स आपको लगाने हैं और देखिए दोनों से, जैसे आपको नहीं पता कि हार्ट की वजह से है कि गॉल ब्लैडर की वजह से है, दोनों के ही पॉइंट्स लगा दीजिए और आराम से सोइए घोड़े बेच के, यानी कि आपको फिर कोई जगाएगा नहीं, कोई आपकी खुद नींद उचटेगी नहीं, डरावने सपने वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो कहते हैं ना स्वीट ड्रीम्स, ऐसे अच्छे सपने आएंगे, भरपूर नींद आएगी आपको, साउंड स्लीप आएगी आपको। तो साथियों, ये था डायग्नोसिस। देखिए एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत अच्छे अच्छे डायग्नोसिस हैं, आप बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी डायग्नोस करके जो जड़ है ना, जड़ से उपचार कर सकते हैं। मन है आपका इस चिकित्सा को सीखने का, तो स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियाँ सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स की। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से येलो कलर के, दूसरी तरफ से ये वाइट कलर के होते हैं। साथियों, अब पहले बात करते हैं कि वो जो गॉल ब्लैडर का पॉइंट है ना उसकी, क्योंकि यही समय है गॉल ब्लैडर का ही, रात में 11 बजे से लेके 1 बजे तक का, और उसके बाद में आप ऐसा नहीं, आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो 1 बजे तो नहीं, 2 बजे आँख खुल जाती है, इसका कारण क्या, कोई बात नहीं, गॉल ब्लैडर के बाद में फिर लीवर का टाइम शुरू हो जाता है 1 बजे से लेके 3 बजे तक का, तो ये भी पेयर्ड ऑर्गन है, ये हस्बैंड वाइफ ऑर्गन है गॉल ब्लैडर और लीवर, तो आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है इन ऑर्गन्स का आपस में, एक की भी ऊर्जा में कमी होती है तो दूसरा भी प्रभावित हो जाता है। तो एक इन जनरल यदि आपका 2 बजे भी 3 बजे भी आपकी नींद उचटती है, तब भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लगाएंगे और आपको आराम मिल जाएगा। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं मिडिल फिंगर की। मिडिल फिंगर,
जो ये अपर जॉइंट है, बिल्कुल जॉइंट में बीचों बीच ये पॉइंट है, पॉइंट बाइलेटरल यानी दोनों ही हाथों में, नाम है इसका गॉल ब्लैडर 40। हमें इस प्रकार से पेपर टेप में मैग्नेट को लेना है कि स्किन में जो टच होगा वो येलो कलर और बाहर से जो दिखाई देगा वो वाइट, और जो ये हमारा पॉइंट है गॉल ब्लैडर 40, इसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे। मैं एक हाथ में लगाकर आपको दिखा रही हूँ, आप ऐसा ही दूसरे हाथ में भी लगाकर रखिएगा। तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट। बात हो रही थी हार्ट की भी, है ना। अब हार्ट का जो पॉइंट है ये हमारे इंडेक्स फिंगर में है, इंडेक्स फिंगर अपर जॉइंट बिल्कुल किनारे टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। पॉइंट का नाम है H7, हार्ट 7। इस पर भी हमें पेपर टेप में ऐसे मैग्नेट को लेना है कि स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट, और जो ये हमारा पॉइंट है H7, इसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे। यानी हम कर रहे हैं दोनों ही पॉइंट्स को टोन, क्योंकि बताया था कि ऊर्जा की कमी हो सकती है, चाहे गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की कमी हो सकती है या हार्ट में ऊर्जा की कमी हो सकती है। तो ऐसे में इन दोनों पॉइंट्स को जब आप टोन करेंगे तो बहुत जल्दी से अच्छी नींद आएगी आपको, और जो डरावने सपने थे वो भी आने अब आपके बंद हो जाएंगे। रोज रात में लगाकर जरा सोइए कुछ दिन तक, क्योंकि रूट कॉज में डेफिशिएंसी है। कुछ दिन लगाने के बाद में जो डेफिशिएंसी वो ठीक हो जाएगी, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको भी आवश्यकता है मैग्नेट की, आप कहेंगे मैम ये मैग्नेट कहाँ मिलेंगे, तो निगाह डालिए नीचे एक वेबसाइट के लिंक है sambhavkyor.com, पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। और साथियों जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।